नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मलिक मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पर आरटीओएस हॉस्पिटल पानीपत में कार्यरत हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आज के समय हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार के पहले या दूसरे पन्ने पर ही दर्दनाक सुसाइड से रिलेटेड आत्महत्या की खबरें डेली हमें पढ़ने को मिलती हैं। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हर उम्र के लोगों में बढ़ती जा रही है, ना केवल बूढ़े लोगों में, यंग लोगों में भी, और दोनों मेल और फीमेल दोनों में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका आंकड़ा हम समझने की कोशिश करें तो साल में पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड से अपनी जान गंवा देते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें, अकेले इंडिया में पूरे साल भर में लगभग 1.5 लाख लोग सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं। इसकी सीवियरिटी इस बात से ही पता लगा सकते हैं हम कि लगभग हर मिनट कोई इंसान सुसाइड की कोशिश करता है, आत्महत्या की कोशिश करता है। तो ये बड़ी ही दुखदाई बात है, और हम इन लोगों को आत्महत्या करने से बचा सकते हैं। तो कौन लोग आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या के कारण होते हैं, मानसिक रोगों में देखें तो डिप्रेशन का शिकार लोग, शिजोफ्रेनिया का शिकार लोग, या जिनमें टर्मिनल इलनेस जैसे कैंसर, एड्स आदि से पीड़ित हैं, या यंग लोगों में देखे तो परीक्षा में फेल हो जाना एक बड़ा कारण। लोग इतना, बच्चे अपने इसको गहराई से ले लेते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। प्यार में असफल हो जाना, या किसी कोई इंसान को इतना फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कर्जे में डूब जाए, या वैवाहिक जीवन किसी का बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा हो, या नशे से पीड़ित, एडिक्शन से, नशाखोरी से पीड़ित लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो सुसाइड की तरफ करने वाले कौन इंसान ज़्यादा करते हैं? जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं वो करते हैं। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जो भी इंसान सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले ऐसा जरूर होता है कि वो बोलता जरूर है कि उसका आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। तो इसको कैसे पहचाने? देखिए दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत जिंदगी जी ली मैंने, अब भगवान मुझे उठा ले। एक दूसरा इंसान कहता है कि भी अब जीने को कुछ नहीं बचा, अब तो मर जाना ही बेहतर है। इसमें पहला इंसान जो है थॉट आत्महत्या की, पैसिव थॉट है, वो भगवान को कह रहा है कि मुझे उठा ले। लेकिन दूसरा इंसान के मन में आत्महत्या की एक्टिव थॉट है, उसने आत्महत्या करने का विचार भगवान पे ना छोड़ के जीवन को समाप्त करने का विचार अपने हाथों में ले लिया है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह की बातें इंसान मरने से 7 दिन पहले जरूर किसी न किसी रूप में अपने परिवार, अपने दोस्त या अपने सगे संबंधियों को बोलता है। इसको हम क्राई फॉर हेल्प कहते हैं। तो जैसे ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने बोलता है तो इसको मजाक में ना लें और इसे इग्नोर ना करें, उसको मदद करने की कोशिश कीजिए। मदद आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे इंसान को कहिए कि जो भी मन में है वो डिस्कस करें, और ऐसे किसी को विचार आ रहे हैं तो वो भी खुद अपने किसी सगे संबंधी या अपने परिवार वाले से जो भी है अपने मन की बात बाहर बोले, और इसके बाद भी अपने जो नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ हैं, अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से जाके कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें, जिसमें कि दोनों दवा और काउंसलिंग दोनों शामिल है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत से लोगों का जीवन हम जाने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।